बैतूल जा के बाद था 11 मार्च 1967। मैंने की उसकी चौथी लाइन में बात चल रही थी, वो भक्त बेचारे समझते हैं कि गीता एपिसोड द्वापर में हुआ, और बाप कहते हैं द्वापर में पतित पावन आकर राजयोग कैसे सिखा सकेंगे। बाप ये कहते हैं मुझे अपने बाप को याद करो, एक अज भूल से राजा ही जाती है, फिर बाप आकर के राजा ही दिलाते, भूल सुधर जाती है तो राजा ही मिलती। कौन सी भूल? गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, कृष्ण तो बच्चे का नाम है, भगवान बाप को कहा जाता है। वो बाप ही आकर के भूल बनाते, तो हम बच्चों को अंदर में अपार खुशी होनी चाहिए, बात की अपार खुशी होनी चाहिए। गीता के भगवान को जानने से राजाई मिलती है, और गीता के भगवान को विसारने से राजाई गवाई देते हैं, इस बात की अपार खुशी होनी चाहिए। ये हमने गीता के भगवान को पहचान लिया है, इसलिए हम राजाई के हकदार हो गए। मनुष्य तो कोई की सदगति नहीं कर सकते, मनुष्य नहीं कर सकते, माने गीता का भगवान कृष्ण अगर कहा जाए तो कृष्ण मनुष्य तो है, सोलह कला संपूर्ण है, सुधरा हुआ मनुष्य है तो देवता है, लेकिन किसी की सदगति नहीं कर सकता, इसका क्या मतलब हुआ? का मतलब हुआ जो खुद मनन चिंतन मंथन करने वाले हैं उनकी खुद की दुर्गति हुई पड़ी है, तब तो मंथन करते हैं। वो दूसरों की सदगति कैसे करेंगे? दूसरों की सदगति दाता भगवान का टाइटल उसी का हो सकता है जो स्वयं मन चिंतन मंथन में लगा हुआ हो, निराकारी निर्विकारी और निरहंकारी तेज में टिका हुआ हो। गाते भी हैं सर्व का सदगति दाता एक परमात्मा है, क्या एक परमात्मा? परमात्मा भी दो चार होते हैं क्या? जो क्रिश्चियन आत्माएं हैं उनके बीच में कोई परम पाठधारी आत्मा होगी, तो क्रिश्चियंस की नजर में कहेंगे कि क्रिश्चियन मनुष्यों के बीच में
वो परम पाठधारी परमात्मा है। माने हर धर्म का अपना अपना एक प्रजापिता होता है। तो दायरे के अंदर तो कहेंगे, लेकिन जहां तक सारी मनुष्य सृष्टि का सवाल है, तो सारी मनुष्य सृष्टि में परम पार्ट बजाने वाला, हीरो पार्ट बजाने वाला, हर धर्म की आत्माओं के बीच में हीरो पार्ट बजाने वाला परमात्मा एक ही है। माना आत्माओं के बीच में परम पार्टधारी हीरो पार्टधारी आत्मा एक ही है, वो ही सर्व की सदगति दाता है। सदगति सदगुरु से मिलती है। सदगुरु साकार होता है या निराकार होता है? कहते भी हैं सर्व का सदगति दाता राम। सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल, तो दलाल के रूप में सदगुरु मिलता है, तो दलाल जो है वो साकार हुआ ना। कहते ही हैं अकाल मूर्त, इसको कोई काल खा नहीं सकता। अकाल काल आत्मा को खाता है या शरीर को? साकार शरीर को खाता है, शरीर को खाता है। अकाल का मतलब हुआ जिस शरीरधारी को कोई ने काल खाते हुए न देखा हो, वो सदगुरु अकाल और फिर मूर्त। मूर्त माने जिसका साकार रूप हो, मूर्त हो, अमूर्त न हो। अमूर्त माने जो इन आंखों से देखने योग्य न हो, और मूर्त माने जो इन आंखों से देखा जा सके। तो सदगुरु की मूर्ति भी है और सदगुरु काल से खाया जाने वाला नहीं है। वो सर्व की सदगति कर सकता है जिसको काल खा जाए, वो सर्व की सदगति नहीं कर सकता। एक तो हद में काल खाता है और दूसरा बेहद में भी काल खाता है। कैसे? ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में जो आत्माएं एक बार निश्चय कर लेती हैं कि परमात्मा बाप सदगति दाता आया हुआ है, सदगति कर रहा है, और फिर बाद में निश्चय बुद्धि हो जाती है। बाप मानती हैं, फिर अनिश्चय बुद्धि होने के कारण बाप का बच्चा बन करके मर जाती है। तो मर गए माने जैसे नापैद हो गए। गुरु लोग कोई की सदगति दाता नहीं है। क्यों? एक होता है सद्गुरु, सद सत माना सच्चा गुरु, सर्व का सदगति दाता एक, एक सद्गुरु अकाल मूर्त। सद्गुरु है एक, बाकी गुरु है अनेक। तो एक सत माना सच्चा गुरु, तो बाकी सब झूठे गुरु हो गए। तो झूठे गुरु लोग कोई की सच्ची गति नहीं कर सकते। गाते भी हैं सर्व का सदगति आता है एक परमात्मा, भक्ति है ही दुर्गति, और ज्ञान है सदगति का मार्ग। क्यों भक्ति से दुर्गति? क्यों भक्ति अनेकों से आती है, अनेक सिरों से आती है, इसलिए कहते हैं भक्ति रावण से आती है, और ज्ञान एक बाप से आता है। एक रास्ता बताने वाला होगा तो सीधा रास्ता होगा,
और अनेक लोग रास्ता बताने वाले होंगे, तो कोई इधर भटकाएगा, कोई इधर भटकाएगा, कोई इधर भटकाएगा, तो दुर्गति में ले जाएगा। ज्ञान दिन है और भक्ति रात है। जब इधर उधर भटकेंगे इसका मतलब ठोकरें खाते रहते हैं। ठोकरें अंधेरे में खाई जाती हैं या रोशनी में खाई जाती है? दिन में होती है रोशनी, जब ज्ञान सूर्य चमकता है तो रोशनी ही रोशनी, और रात्र में होता है अंधेरा। रात दुर्गति, दिन फिर सदगति। इन गुरु लोगों को तो शास्त्रों का बहुत अहंकार है। इनको कहा जाता है भक्ति मार्ग। ज्ञान और भक्ति, ज्ञान माना दिन ब्राह्मणों का दिन और भक्ति माने रात। किसकी? ब्राह्मणों का दिन और भक्ति माने रात। क्या ब्राह्मणों की रात नहीं होती? ब्राह्मणों का दिन होता है तो ब्राह्मणों की रात भी होती, और ब्राह्मणों को ही दिन रात होती है। ऐसे नहीं कहेंगे सतयुग त्रेता दिन, वहां कोई ज्ञान सूर्य होता है, और द्वापर कलयुग रात, वहां ब्रह्मा होता ही नहीं। कहां द्वापर कलयुग में ब्रह्मा ही नहीं होता, तो ब्रह्मा का रात होने का सवाल ही नहीं होता। तो अभी ब्राह्मणों का दिन और अभी संगम में ही ब्राह्मणों की रात भी होती है। माना ब्राह्मण ही भक्ति के अंधेरे में आते हैं और ब्राह्मण ही सोझरे में आते हैं। ब्रह्मा सोझरे में तो ब्राह्मण भी सोझरे में, ब्रह्मा अंधेरे में तो ब्राह्मण भी अंधेरे में। माना ब्रह्मा तो अनेक है, अनेकों का नाम ब्रह्मा है, पर कौन सा ब्रह्मा? दादा लिख रहा, दादा लिख रहा है पहला ब्रह्मा है कि दादा लिख रहा से भी कोई पहले ब्रह्मा था? दादा लिख रहा में तो 47 में प्रवेश किया, 46 में तब ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय नाम रखा गया। उससे पहले भी तो कोई में प्रवेश किया, जिनके लिए बोला है कि पहले बाबा मुरली नहीं चलाते थे, 10-15 पेज बैठ लिखते थे और बाप लिखाते थे। तो ब्रह्मा बाबा लिखते थे और बाप शिव कोई में प्रवेश करके लिखाते थे, तो वो तो पहले वाला ब्रह्मा हो गया जिसके द्वारा लिखाते थे। तो रात भी ब्राह्मणों की ही कहेंगे, सतयुग के देवताओं की रात नहीं कहेंगे, त्रेता के क्षत्रियों की रात नहीं कहेंगे, द्वापर के वैश्यों की रात नहीं कहेंगे, कलयुग के शूद्रों की भी रात नहीं कहेंगे। किसकी रात कहेंगे? ब्राह्मणों में ही ऐसे ब्राह्मण हैं जिनकी रात है, ब्रह्मा की रात है तो ब्राह्मणों की रात है, ब्रह्मा का दिन है तो ब्राह्मणों का दिन। तो वो कौन सा ब्रह्मा हुआ जिसकी रात होने पर सब ब्राह्मण अंधेरे में आ जाते हैं, जिसका दिन होने पर सब ब्राह्मण सोझरे में आ जाते हैं? एक के पतित होने सब पतित बन जाते हैं, एक के पावन बनने से सब पावन बन जाते हैं, वो कौन सा ब्रह्मा? आदि ब्रह्मा माना प्रजापिता ब्रह्मा। ब्रह्मा कहा, प्रजापिता ब्रह्मा शब्द नहीं कहा, क्या कहा? ब्रह्मा। कहीं मुरली में आया है कि प्रजापिता ब्रह्मा का दिन और प्रजापिता ब्रह्मा की रात? नहीं, ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात होती है। अब फिर तुम रात से दिन में जा रहे हो,
ब्रह्मा की रात में से निकल करके तुम ब्रह्मा के दिन में जा रहे हो, तो पहले तो ब्रह्मा का दिन होगा ना, ब्रह्मा सोजरे में आना चाहिए ना। माना ब्रह्मा अभी अंधेरे में है या सोजरे में? ब्रह्मा खुद ही अभी अंधेरे में, इसलिए अधूरा चंद्रमा दिखाया जाता है या संपूर्ण चंद्रमा दिखाया जाता है? अधूरा चंद्रमा दिखाया जाता है। शंकर के मस्तक पर अधूरा चंद्रमा, कृष्ण की सोल अभी भी पढ़ाई पढ़ रही है, पूरे ज्ञान में अभी होशियार नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? क्योंकि उसको आदि में जो पढ़ाने वाली माँ है, गीता माता है, वो खुद अभी अज्ञान अंधकार में। कहेंगे ये तो बहुत वंडरफुल बात है, वो कैसे अज्ञान अंधकार में, जिसे ज्ञान ज्ञानेश्वरी कहा जाता है, ज्ञानियों की ईश्वरी, वो फिर अंधकार में कैसे? ज्ञान ज्ञानेश्वरी तो बनती है अंत में, लेकिन पहले तो दूसरों से प्रभावित होते हैं। चंद्र ग्रहण पड़ता है तो चंद्रमा के ऊपर किसकी परछाया पड़ती है? पृथ्वी की, धरणी माता की परछाया पड़ती है। माने धरणी माताओं के प्रभाव में, उसकी परछाया में चंद्रमा आ जाता है। सूर्य ग्रहण पड़ता है, सूर्य किसके परछावे में आता है? ऐसा लगता है क्या पृथ्वी वासियों को, क्योंकि चंद्रमा बीच में आ जाता है, चंद्रमा की परछाया पृथ्वी वासियों पर पड़ती है, तो समझते हैं कि सूर्य अंधेरे में, सूर्य अंधेरे में नहीं होता, वास्तव में वो पृथ्वीवासी ही जिनके ऊपर चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है, चंद्रमा की परछाया पड़ रही है, वो अंधेरे में आ जाते हैं। तो बोला अभी तुम जानते हो कि रात से तुम दिन में जा रहे हो, पहले ब्रह्मा दिन में जाए फिर तुम ब्राह्मण बच्चे भी दिन में जाओ, तो ब्रह्मा को, ब्रह्मा की रात से ब्रह्मा को दिन में ले जाने वाला कौन? कोई तो प्रैक्टिकल में चाहिए। ये वही हो सकता है जिसको अभी बोला एक परमात्मा ही सबकी सदगति करते हैं। जो सबकी सदगति करते हैं उसका कारण क्या हुआ? कि वो आत्मा एक बार ज्ञान में पक्का हो जाने के बाद फिर कभी अनिश्चय बुद्धि नहीं बनती, इसलिए जो कभी भी जन्म मरण के चक्र में नहीं आती बेहद में, वो ही दूसरों की सती गति और सदगति कर सकती है। तो ब्रह्मा की रात को दिन बनाने वाला प्रैक्टिकल में एक ही है, जिसे कहा जाता है सर्व का सदगति दाता राम। ये संगम युग है, हरेक मनुष्य कमाई पिछाड़ी पड़े हुए हैं, सन्यासियों को धन मिलता है तो धनवान बन जाते हैं। अभी तुम जानते हो कि हम बाप से खजाना लेने आए हैं, हम कोई भी मनुष्य मात्र से कमाई कमाने वाले नहीं है। तो बाप कहते हैं धनवान बब, कैसे धनवान बब? जो अविनाशी धन है उस धन के धनवान भव, ये अविनाशी ज्ञान रतन तुम्हारे जन्म जन्मांतर के लिए स्थूल धन बन जावेगा। अभी ज्ञान धन है सूक्ष्म धन, ये ज्ञान धन सूक्ष्म धन है, जितना इस जन्म में जो कोई कमावेगा वो जन्म जन्मांतर का साहूकार बनता रहेगा। तुम जानते हो योग बल से हम पवित्र बनते हैं, क्या
कभी सुना होगा कि भोग बल से कोई पवित्र बना? नहीं, भोग बल से तो अपवित्र ही बनते हैं, योग बल से तुम पवित्र बनते। कौन सी योग बल से? अपन को आत्मा समझ परमात्मा एक बाप को याद करते हैं तो हम पवित्र बनते हैं। अगर औरों को भी याद करते हैं तो फिर अपवित्र बनते। ये तुम सच्ची कमाई करते हो। जो याद की यात्रा है यही तुम्हारी सच्ची कमाई है। शिव बाबा आकर के यह अविनाशी ज्ञान रतन देते हैं। क्या? शिव बाबा आकर के यह अविनाशी ज्ञान रतन देते हैं। कौन से अविनाशी ज्ञान रतन? और कौन सा शिव बाबा? ब्रह्मा के तन में शिव सुप्रीम सोल ने प्रवेश किया तो क्या शिव बाबा नहीं हुआ? शिव बाबा नहीं कहेंगे, बाबा कहा जाता है ग्रैंड फादर। ब्रह्मा को भी बाबा इसलिए कहा जाता है कि वो वृद्ध थे, तो ब्रह्मा बाबा थे। तो शिव बाबा आकर के आते हैं और आकर के यह अविनाशी ज्ञान रतन तुम बच्चों को देते हैं। जिन अविनाशी ज्ञान रतनों को धारण करने से तुम दुनिया के बड़े के बड़े साहूकार बन जाते हो। पढ़ाई से आमदनी होती है, पढ़ाई से ही बैरिस्टर बन जाते हैं। बाप कहते हैं मैं भी पढ़ाई पढ़ाता हूं, मैं तुमको 21 जन्मों के लिए धनवान आयुष्मान बनाता हूं। ऐसा धनवान और ऐसा आयुष्मान लंबी आयु वाला दुनिया में कोई भी धर्म का फॉलोअर हो नहीं सकता। हेल्थ भी देता हूं क्योंकि वो है अमरपुरी। और हेल्थ कैसी देता हूं? विनाशी हेल्थ देता हूं या विनाशी? अविनाशी हेल्थ देता हूं। तुम 21 जन्म तक कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे, तुम अमर बनते हो। शिव जयंती पर तुम अपने बाप की जयंती मनाते हो। समझाने के लिए बत्तियां आदि जलाते हो कि कोई पूछे ये बत्तियां आदि क्यों जलाई हुई है तो बता दे कि शिव जयंती हो जब होती है तो सबकी ज्ञान की बत्तियां जग जाती हैं। मनुष्यों को रास्ता बताने के लिए ही शो करते हैं। बाप कहते हैं अभी बच्चे तुम अपवित्र बन गए, नई दुनिया में भारत पावन था, अभी पुरानी दुनिया में पतित हो गया है। इस पतित दुनिया में सब पतित हैं तो भारत भी पतित है, नई दुनिया में सब पावन होंगे। तो कृष्ण का जब जन्म होगा तो सब पावन होंगे या कोई पतित भी होंगे? सब पावन होंगे, बाहर की दुनिया में पावन होंगे और जो देवताओं की दुनिया की स्थापना होगी उसमें सब नहीं, बाहर की दुनिया में पतित होंगे और जो अंदर की दुनिया भगवान का स्थापन करते हैं उसमें सब पावन होंगे, उसमें कोई पतित हो नहीं सकता। तो अभी दुनिया पतित पुरानी हो गई है इसलिए सभी पुकारते हैं एक पतित पावन आओ, वो बाप आकर तुम बच्चों को सुनाते हैं। क्या? बाप आकर तुम बच्चों को सुनाते हैं तो यह भी सुनते हैं, बाप आकर सुनाते हैं। कब सुनाते हैं बाप आकर? संगम युग में भी कब आकर सुनाते हैं? पुरुषोत्तम संगम युग में आकर, पुरुषोत्तम संगम युग
पुरुषोत्तम संत भी तुम्हें बाप आकर सुनाते हैं, तो तुम बच्चे भी सुनते हो। बाप आकर तुम बच्चों को सुनाते हैं तो तुम बच्चे सुनते हो, यह भी सुनते हैं। कब की बात है, की बात है। बाप बाप के रूप में जब आकर के सुनाते हैं तो 76 से ही आकर के सुनाते हैं। तुम बच्चे भी सुनते हो और यह भी सुनते हैं। यह कौन? ये ब्रह्मा की सोल भी सुनती है, लेकिन भूल एक ही है। क्या सुनते तो यह भी है और सुनते तुम भी हो, तो दोनों के सुनने में क्या भूल है? तुम क्या समझते हो? तुम समझते हो कि गीता का भगवान शिव शंकर भोलेनाथ है, एक ही परमात्मा है, परम पाठधारी है, और यह क्या समझते हैं? यह क्या समझते हैं? यह माने कौन? जो अधूरे चंद्रमा के रूप में मस्तक पर विराजमान है, वो क्या समझते हैं कि गीता का भगवान मैं हूँ, शिवो अहम्। मैं ही गीता का भगवान हूँ और कोई भी साकार में इस सृष्टि पर गीता का भगवान नहीं हो सकता। ये एक ही भूल गीता में कर दी है, ऊंचते ऊंच भगवान तो शिव है, ये एक ही भूल गीता में कर दी है। कब की बात है, है? गीता में पहले पहले ये एक ही भूल कब की गई? द्वापर में, संगम में पहले पहले की गई। पहले पहले शूटिंग कहाँ होती है? संगम में होती है। तो कब की गई संगम में? संगम तो 100 साल का है। ये भूल कब की गई? जो गीता है ज्ञानामृत नहीं है, गीता है। उस गीता में पिता श्री ब्रह्मा किसका, किसने डाला? ब्रह्मा कुमारियों ने डाला, या ब्रह्मा के रहते रहते डाला गया? शरीर छोड़ने के बाद डाला गया? मम्मा के शरीर छोड़ने के बाद पिताश्री शब्द डाला गया। मम्मा तो ज्ञानी थी, वो तो गलती को पकड़ लेती। मम्मा जब तक रही तब तक नहीं हुआ ऐसा, लेकिन मम्मा जैसे ही हॉस्पिटलाइज हुई बम्बई में, और वैसे ही ब्रह्मा की रहबरी में गीता का भगवान पिताश्री ब्रह्मा हो गया। पिताश्री नाम क्यों दिया? क्योंकि वो पिता श्री बाद में लगा हुआ है, बाद में श्रेष्ठ बनने वाला है, उससे भी पहले श्रेष्ठ कौन बनेगा? प्रजापिता। उससे भी पहले श्रेष्ठ नारायण बन जाते हैं। तो ऊंचते ऊंच भगवान तो शिव है, उसे गीता का भगवान कृष्ण को कैसे मान लिया? पहले ऊंचते ऊंचे भगवान, फिर है पहले पहले बिछड़े हुए ये लक्ष्मी नारायण। क्या कौन बिछड़े? ऊंचते ऊंच गीता का भगवान, फिर पहले पहले बिछड़े हुए ये लक्ष्मी नारायण कौन? ये कब, कब की बात है कि ऊंचते ऊंच भगवान फिर बिछड़े हुए लक्ष्मी नारायण? कब की बात है? अच्छा, यज्ञ में शूटिंग पीरियड में पहले पहले कब? यज्ञ के आदि में, यज्ञ के आदि में ऊंचे ऊंचे भगवान कौन हुआ? शिव बाबा। किसके द्वारा?
राम बाप के द्वारा, प्रजापिता के द्वारा, ऊंचते ऊंचे भगवान। फिर पहले पहले बिछुड़े हुए ये लक्ष्मी नारायण, कौन बिछुड़े? शिव बाबा से सबसे पहले कौन बिछुड़ता है? ये लक्ष्मी नारायण पहले बिछुड़ते हैं। ये भी याद रखना है कि हम तो नंगे आए थे, ये बार बार भूल जाता है कि आदि में भी हम कुछ अपने साथ लाए नहीं थे, नंगे आए थे और अभी नंगे ही वापस जाना है। कुछ भी लेकर के यहाँ से जाना, वैसे भी मनुष्य मरता है तो कुछ लेकर के जाता है क्या? लेकिन जब तक जिंदा रहता है तब तक ममत्व कितना रहता है? ममत्व छूटता ही नहीं, मेरा मेरा मेरा। तो याद दिलाते हैं, यह भी याद रखना है कि नंगे आए थे, नंगे जाना है। लेकिन कौन नंगा जावेगा? अपवित्र आत्मा जा नहीं सकती। जिसकी बुद्धि में देह और देह के संकल्प चलते रहेंगे, अपवित्र संकल्प चलते रहेंगे, वो आत्मा वापस नहीं जा सकती। संकल्प चलेंगे तो वाचा भी चलेगी, वाचा चलेगी तो कर्मेंद्रियां भी अपवित्र बनेंगी, तो अपवित्र आत्मा नहीं जा सकती। पवित्र बनाने वाला एक ही बाप है। मन के संकल्पों को, वाचा को, कर्मेंद्रियों को पवित्र बनाने वाला एक ही बाप है, एक ही बाप है। एक बाप 500 करोड़ की कर्मेंद्रियों को पवित्र बनावेगा क्या? एक कैसे होगा? अरे पहले 500 करोड़ की कर्मेंद्रियां तो पवित्र बनती ही नहीं। अगर उनकी कर्मेंद्रियां, उनकी वाचा, उनकी मनसा पवित्र बन जाए तो कितने जन्म लेंगे वो? तो पूरे 84 जन्म लेंगे। उनकी तो बात ही नहीं, कितनों की बात है? 4.5 लाख बच्चे ऐसे हैं जो सन्मुख बैठ करके पढ़ते हैं। तो सन्मुख बैठेंगे तो संघ का रंग, दृष्टि का संग रंग तो लगेगा, वाचा का संग रंग लगेगा। सभी जीवात्माएं पाठधारी। क्या एक मनुष्य आत्माओं की ही बात नहीं? इस सच रूपी रंगमंच में जो भी प्राणी मात्र हैं, जीवन धारण किए हुए हैं, वो सब पाठधारी है। बाप आकर एक ही धर्म की स्थापना करते हैं, एक ही धर्म की स्थापना करते हैं, तीन धर्मों की स्थापना नहीं करते हैं। अरे बाप तीन धर्मों की स्थापना करते हैं कि एक धर्म की स्थापना करते हैं? बाप आते हैं तो आकर के एक ही धर्म की स्थापना करते हैं। कौन सा धर्म? देवता धर्म। ऐसे नहीं कि बाप ब्रह्मा के तन में आए। ब्रह्मा के तन में आते हैं तो ब्राह्मण धर्म तो स्थापन होता है, लेकिन देवता धर्म स्थापन नहीं होता। और जब आते हैं, देवता धर्म स्थापन करते हैं, ब्राह्मणों को देवता बनाते हैं, तो जो फेल होते हैं वो ऑटोमेटिक क्या बन जाते हैं? क्षत्रिय बन जाते हैं। तो उसमें धर्म स्थापन करने न करने की बात ही नहीं। तुम जानते हो कि बाप स्थापना कर रहे हैं, कोई मनुष्य मात्र स्थापना करने वाला नहीं है देवता धर्म की। स्थापना पूरी हो जाएगी फिर विनाश शुरू हो जाएगा। अरे पूरी हो जाने का क्या मतलब है? 500 करोड़ सभी छोड़ देंगे है? स्थापना पूरी हो जाएगी फिर विनाश शुरू हो जाएगा।
कब की बात है? कब की? जब साढ़े चार है, स्थापना पूरी हो जाएगी फिर विनाश शुरू हो जाएगा, कब की बात है? संगम युग। हाँ, संगम तो 100 साल का है, लेकिन 100 साल के संगम युग में भी कब की बात है? 76। हाँ, 76 में कोई भी एक मनुष्य आत्मा की बुद्धि में स्थापना की पूरी प्लानिंग बैठ जाएगी, माने स्थापना पूरी हुई और फिर दुनिया का विनाश विनाश शुरू हो जाएगा। स्थापना और विनाश की घोषणा कब की थी? 66 में की थी, जब चित्र छपाए गए थे, ये बड़े बड़े चार चित्रों में भी विनाश की घोषणा लिखी है। आने वाले 10 वर्षों में ज्ञानमत पत्रिका में भी लिखा हुआ है, अखबारों में भी डाला गया, राष्ट्रपति को मेमोरेंडम भी दिया गया। तो बताया इस 10 वर्ष में माने 76 में स्थापना पूरी हो जाएगी, माना वो एक परमात्मा पार्टधारी के अंदर बुद्धि में पूरी प्लानिंग स्थापना की बैठ जाएगी, फिर उसके बाद शुरू विनाश हो जाएगा। किसका विनाश? बाहर की दुनिया का विनाश नहीं, ब्राह्मणों की दुनिया में विघटन शुरू हो जाता है। गूंजी विनाश की वाणी, फिर भी कितनी कल्याण। तो विनाश की वाणी कौन गूंजाता है? ब्रह्मा गूंजाता है कि विष्णु गूंजाता है? ब्रह्मा विष्णु के द्वारा तो बात ही नहीं। विनाश की वाणी गूंजेगी तो जरूर है जो निमित्त मूर्ति बनी हुई है उसके द्वारा ही वो विघटन की बातें, आसुरी ब्राह्मणों के विघटन की बातें संसार में गूंजने लगेंगी। तुम ऐसे भी नहीं चाहते हो कि विनाश जल्दी हो जावे तो हम स्वर्ग में चले जावे, क्यों? तुम नहीं चाहते हो ऐसा कि जल्दी से विनाश हो जावे हम स्वर्ग में चले जावे? तुम नहीं चाहते तो कौन चाहता है? है? अरे जिनके साथ है, जिनके साथ बात नहीं है, वो हाँ, जिनके और निश्चय नहीं बैठता है वो चाहते हैं जल्दी से विनाश हो जावे हम जाके स्वर्ग में बैठे हैं। है? जैसे ब्रह्मा बाबा जाके बैठने वाले, माने वो शरीर छोड़ने का बुद्धि में सोचते हैं, और तुम क्या सोचते हो? नहीं, पहले हम कंचनकाया बना लेंगे तो शरीर छोड़ने की बात हुई, विनाश की सोचने की बात हुई कि पहले स्थापना की बात हुई? पहले बनाओ 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 करने की बात हुई। जावेंगे तो हम तो बाप से भी छोड़ जावेंगे, ये तुम्हारी बुद्धि में है क्या कि हम इस दुनिया में जैसे जावेंगे तो बाप से भी छुट जावेंगे? उनकी बुद्धि में ये बात नहीं है। किनकी बुद्धि में? उन तथाकथित ब्राह्मणों की बुद्धि में ये बात नहीं है कि हम जावेंगे तो बाप से भी छुट जावेंगे। यहाँ तो बहुत अच्छी नॉलेज मिल रही है, फिर देवता बनेंगे तो डिग्रेड हो जाएंगे। अभी हम ऊंची पोस्ट पे या सतयुग में ऊंची पोस्ट पे होंगे? अभी संघ में ऊपर ऊंचते हो तो ब्राह्मण दल, वहां फिर नॉलेज नहीं रहेगी। कहा नहीं दुनिया में बाप नॉलेज फुल है तो तुम भी नॉलेज फुल बनते हो। बाप के अंदर जो भी ज्ञान है वो बाप तुम बच्चों को दे कर जाते हैं, तो बच्चों को खुशी तो अपार होनी चाहिए। इतना ब्राह्मण बड़ा परिवार, उसके बीच में थोड़े से मुट्ठी भर ब्राह्मण जिनको बाप का असली ज्ञान मिलता है और बाकी सब ब्राह्मण ज्ञान निद्रा में पड़े हुए। क्या गीता का भगवान कौन है ये भी नहीं जानते? तो तुम बच्चों को तो अपार खुशी होनी चाहिए, बाबा हमारा बाप भी है,
क्या टीचर भी है वही बाबा, और वही बाबा हमारा सदगुरु भी है। ये तुम्हारी बुद्धि में है, उन ब्राह्मणों की बुद्धि में ये बात नहीं है। क्या ये एक ही रूप है, एक ही पर्सनालिटी है, जो हमारा बाप भी बनता है, टीचर भी बनता है, और सदगति करने वाला सदगुरु भी बनता है। उनकी बुद्धि में क्या है, उन ब्राह्मणों की बुद्धि में? ब्रह्मा ब्रह्मा ही सब कुछ है। अगर ब्रह्मा सदगति दाता है, सदगुरु है, सदगुरु दलाल है, तो दलाल फिर मौजूद होना चाहिए सदगति देने के लिए। टीचर मौजूद होना चाहिए व्याख्या देने के लिए। उनसे तो कोई बात, कोई महावाक्य पूछा जाता है, मुरली में ऐसा है, इसका क्या मतलब? तो निकलो बाहर, प्रश्न क्या करना है। तो इससे साबित होता है कि उनकी बुद्धि में बाप टीचर सदगुरु का ज्ञान नहीं है। और ये वो ये भी नहीं जानते कि सदगुरु साथ ले जाएंगे। कहाँ? सदगुरु साकार में है तो कहाँ साथ में ले जाएंगे? परमधाम। उनकी बुद्धि में है कि परमधाम वो ही बिंदु 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 आत्माएं जहाँ इकट्ठी होती है वही है। हमारी बुद्धि में है इस साकार सृष्टि पर हम परमधाम को उतारते हैं, बाप के साथ संगठित होकर के आत्मिक स्टेज में रहते हैं, वहां हमको बाप ले जाएंगे। तो साथ में भी ले जाएंगे। साजन आए ही है सजनियों को ले जाने के लिए, सुंदर बना करके ले जाएंगे। अभी तो अपवित्र छीछी सजनियां हैं। बार बार इन्हीं बातों को याद करो, तुम बच्चों को बाप की और षष्ठी चक्र की स्मृति आ गई है। तुम ब्राह्मण कहलाते हो तो तुमको फिर सच्ची गीता सुनानी है। ब्राह्मणों का धंधा क्या होता है? गीता ज्ञान पढ़ना और गीता ज्ञान दूसरों को सुनाना, वो उनको कहा जाता है ब्राह्मण। वो तो झूठी गीता सुनाते हैं। कौन? वो झूठे ब्राह्मण। वो झूठे कैसे? हाँ, एक तो कुक वंशावली है, कुक के प्यार से पैदा हुए हैं, मुख से निकली हुई वाणी के प्रति उनका लगाव नहीं है, तो वो झूठे ब्राह्मण हुए। और तुम सच्चे ब्राह्मण हो, क्योंकि तुम ब्रह्मा मुख वंशावली। मुख ऊंची चीज है या कुक ऊंची चीज है? कुक माने गोद माने नीचे, और मुख माने मुख से निकलता है ज्ञान। तो तुम्हारा कुक के प्रति प्यार नहीं है, माने शरीर के प्रति प्यार नहीं है, तुम्हारा वाणी के प्रति प्यार है। मुरली से प्यार तो मुरलीधर से प्यार। तो तुमने जो सच्ची गीता जानी है वही दूसरों को सुनानी है। रहम दिल बनना है। मनुष्य तो बिल्कुल अंधेरे में, अब तुमको सोचने में लाना है। जो मनुष्य बिल्कुल अंधे हैं, अंधों को हाथ में लाठी दे करके रास्ता बताया जाता है। कहते कि नहीं, अंधे होते हैं तो क्या कहते हैं, उनके हाथ में लाठी दे देते हैं, फिर कहते हैं ऐसे चलो ऐसे चलो, रास्ता बताया जाता है। तो तुमको क्या करना है? वो ब्राह्मण है, तथाकथित ब्राह्मण है, जो गीता के भगवान को नहीं जानते, उनको सच्चा रास्ता बताना है। कहां ये ठोकर है न खावे, ये होते हैं, लाठी नहीं होती है तो फिर ठोकरे खाते हैं। जिन अंधों के हाथ में लाठी होती है, टुक टुक करके रखते जाते हैं, तो
तो उनको फिर ठोकर नहीं लगती। हमारी लाठी कौन सी है? मुरली है हमारी लाठी है। तो अंधों को लाठी से रास्ता बताया जाता है, कहाँ ठोकरें न खाएं। मनुष्य आधा कल्प के रोगी है। अब तुम आधा कल्प के लिए निरोगी बनते हो, तुमको लव एक शिव बाबा में रखना है, एक शिव बाबा दूसरा चित्र भी इनका निकाल करके क्या करेंगे है? माना फोटो निकालते हैं ना, चित्र माना फोटो, तो फोटो भी इनका निकाल कर क्या करेंगे? कुछ करना है नहीं। त्रिमूर्ति में तो समझाने के लिए दिया ही हुआ है, अलग से ब्रह्मा का चित्र निकालने की कोई दरकार नहीं है। याद तो शिव बाबा को ही करना है ना, इन ब्रह्मा को याद करना है क्या? ये शिव बाबा है क्या? माना ब्रह्मा के तन में बल सिंह की सोल प्रवेश करती थी, लेकिन उसको शिव बाबा नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि माँ का पार्ट था वो, वर्षा देने वाले बाबा का पार्ट नहीं है। तो इन ब्रह्मा का चित्र निकाल करके क्या करेंगे? इनका चित्र भी निकालने की दरकार नहीं है, फोटो निकालने की दरकार नहीं है, क्योंकि याद तो शिव बाबा को करना है, तो इनका फोटो क्यों निकालें? अच्छा अभी अभी क्या करना है? अभी फोटो नहीं निकालना, क्यों? वो तो ब्रह्मा की बात हुई कि इन्हें ब्रह्मा का फोटो नहीं निकालना। ब्रह्मा का फोटो निकालने से कोई फायदा नहीं है, कोई शिव बाबा तो है नहीं। अब तुम बच्चों को तो शिव बाबा मिला है कि नहीं मिला है? मिला है तो फोटो निकालना है कि नहीं निकालना है? बुद्धि में निकालना है वो फोटो, वहां बुद्धि में नहीं निकल रहा था। तुमको लक्ष्य शिव बाबा में रखना है, इनका चित्र भी निकाल के क्या करेंगे? याद तो शिव बाबा को ही करना है। देहधारी कोई को भी याद नहीं कर रहा है, माना जिनकी जिनकी देह में आ सकती है, अपनी देह के लिए ही 24 घंटे रमे पड़े हैं, उन देहधारियों में से कोई को भी याद नहीं कर रहा। इसकी देह में आ सकती नहीं होगी तो क्या करेगा? अपनी देह की चिंता करेगा? करेगा ओ, उसे अपनी देह की कोई चिंता नहीं। अरे शिव बाबा आया हुआ है, जब हमें बाप मिल गया, विश्व का मालिक बनाने वाला, तो हमें अपनी देह की क्या चिंता, काय की चिंता होनी चाहिए? हाँ, कल्याण कैसे करें? कोई भी देहधारी याद नहीं। यही भी कहते हैं कि मैं कोशिश करता हूं। कौन कहते हैं? ब्रह्मा बाबा कहते हैं मैं भी कोशिश करता हूं शिव बाबा को याद करने की। मैं शिव बाबा को याद करने की कोशिश करता हूं। कौन कहता? ब्रह्मा बाबा। बाबा कहेंगे यह भी तो पतित है ना, इसलिए कोशिश करता है। क्या कोशिश? किसको करनी पड़ेगी? ज्ञान में चलते चलते, कोई बहुत अच्छा ज्ञान में चल रहा हो, खूब सेवा करता हो, खूब धारणा करता हो, और अचानक गटर में गिर जाए, बुद्धि अपवित्र बन गई ना, तो बाबा की याद ठहरेगी कि नहीं ठहरेगी? है बाबा की याद, क्योंकि पतित बन गया, याद ठहर नहीं सकती। तो बोला कि ये भी कहते हैं मैं कोशिश करता हूँ शिव बाबा को याद करने की। बाबा कहेंगे, बाबा कहेंगे, कब कहेंगे? जब बाबा होंगे तो कहेंगे। कहेंगे यह भी तो पतित है ना। कौन पतित है?
ये ब्रह्मा पतित है इसलिए कोशिश करता है याद करने की। अच्छा, जो बाबा का पाठधारी है उसको कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। आदमी थे, अरे ब्रह्मा को कोशिश करनी पड़ती है। जो शिव बाबा का पाठधारी है उसको कोशिश नहीं करनी पड़ती याद करने की, करनी पड़ती। जब बुद्धि पवित्र बन जाती तब 76 की बात नहीं, 76 से नहीं, निराकार की बात। लक्ष्मण इस चित्र में नीचे क्या लिखा हुआ? विकारों का अंत हो जाए कब से? संक्षेप, जब भ्रष्टाचार का अंत ही हो गया तो याद आए, याद करने में कोशिश करनी पड़े या ऑटोमेटिक जल्दी स्थिति बन जाए। तो ब्रह्मा तो कहते हैं मैं कोशिश करता हूँ फिर भी भूल जाता हूँ। बाबा कहेंगे ये भी तो पतित है ना, इससे शिव बाबा को याद करने की कोशिश करनी पड़ती है। ये हमारे कौन? ब्रह्मा। ये पावन बन रहे हैं कौन? ब्रह्मा बाबा। लक्ष्मी नारायण को कहेंगे पावन बन रहे हैं। लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? 76 में जन्म हुआ। तो पावन बन रहे हैं या मन बुद्धि पावन बनी है? मन बुद्धि से पावन उसी समय से बने हुए हैं। ये भी तुम्हारे ही जैसा स्टूडेंट है क्या? कौन कह रहा है? ये भी तुम्हारे जैसा ही स्टूडेंट है। स्टूडेंट है या टीचर है? स्टूडेंट है। पढ़ाने वाला ये नहीं है, पढ़ाने वाला टीचर सुप्रीम टीचर एक है, उसको कोई पढ़ाई नहीं सकता। हाँ, सिर्फ इनको फॉलो करना है। इनको क्या करना है? फॉलो करना है। किस बात को फॉलो करना है? हाँ, जहाँ धारणा की बात आती है वहां ब्रह्मा को प्रैक्टिकल जीवन में, प्रैक्टिकल कर्मों में फॉलो करना है। ये नहीं शंकर को फॉलो करना है। प्रैक्टिकल जीवन में शंकर को फॉलो नहीं करना है, फॉलो किसको करना है? ब्रह्मा को फॉलो करना है। और बात मेरी मन, मैं जो जिस मुख से ज्ञान देता हूँ, सुनाता हूँ, व्याख्या करता हूँ टीचर के रूप में, बात मेरी सुनना है, मेरे डायरेक्शन पर चलना है, लेकिन कर्मों में फॉलो इस ब्रह्मा को करना है। क्योंकि ये याद में रहने का अच्छा पुरुषार्थ करते हैं। क्या? गुजार दादी जब प्रवेश करते हैं तो उनकी स्थिति देखने से पता चलता है कि पुरुषार्थ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अच्छा ही पुरुषार्थ करते हैं ना। तो इनसे सीखना है क्या? याद का पुरुषार्थ करना है, इनसे सीखना है। हिम्मत नहीं हारते क्या? इस आकार शरीर से हार्ट फेल हो गए तो अब क्या करेंगे? हैं? युद्ध में स्थिर रहते हैं। देहम वा पातयामि, क्या शरीर बल छूट जाए लेकिन पुरुषार्थ ये छोड़ने वाले नहीं है। इनसे सीखना है। याद की यात्रा है नंबर वन। चार सब्जेक्ट है, चारों सब्जेक्ट में नंबर वन याद की यात्रा। पढ़ाई भी बहुत सहज है। रोज रात को नोट करो कि सारा दिन में क्या क्या किया, क्या क्या किया। अच्छा अच्छा नोट करो कि खराब किया वो भी नोट करो। दोनों कितनी सेवा की और कितना डिस सर्विस की, सब लिखो। हर बात में बाप से राय लेनी। अच्छी अच्छी सर्विस की तो उन बाप के सामने रखना, कहीं गलती तो नहीं हो गई। कुछ खराब काम किया तो भी बाप से राय लेनी है।
ये पैसे आदि की तो बात ही नहीं है। क्या पूता मिल में सिर्फ पैसे पैसे लिख देते हैं, आज हमने ये इतना कमाया, इतना खर्चा किया। बाबा कहते हैं पैसे वाले की तो बात ही नहीं है। मम्मा क्या लेकर के आई थी? बाबा तुम्हारे पैसे नहीं चाहते, क्या चाहते हैं? बाप को पैसे नहीं चाहिए, सच्चे दिल के बच्चे चाहिए। सच्चे दिल के बच्चे नहीं है क्या? मम्मा क्या लेकर के आई थी? ये कुमारियां तो फ्री हैं। मम्मा कुमारी थी ना, तो जो भी कुमारियां हैं वो अपने जीवन में फ्री है। सब तो कुमारियां फ्री है, कोई बंधन में नहीं है, है? कोई कुमारियां बंधन में नहीं है क्या? ज्यादा बंधन में नहीं, ज्यादा बंधन में होती तो फिर कुमारियां ज्यादा सरेंडर कैसे हो जाती? माने कुमारियां निर्बंधन तो है, लेकिन कोई कोई को अपने मन का बंधन लग जाता है। कुमारियां फ्री है, कुमारियों पर कोई भी बोझा नहीं है। अगर कुछ बोझा है तो समझते हैं कि इस बोझा को इसी काम में लगा देना। उस गवर्नमेंट में कितना पदों का उनका खर्चा होता है, इनका गवर्नमेंट का जो राज्य चलता है तो कितना खर्चा करती है गवर्नमेंट? करोड़ों नहीं, अरबों नहीं, पदमों खर्चा हो रहा है, अकूत खर्चा हो रहा है। और यहां बड़ी सी गवर्नमेंट दुनिया की स्थापना हो रही है, सारे विश्व के ऊपर राज्य करने वाले, यहां क्या खर्चा होता है? यहां कुछ भी कोई खर्चा नहीं। बाप तुमको विश्व की राजा ही प्राप्त कराते हैं, जिसमें कि खर्चा कुछ भी नहीं है। कोई कहते हैं बाबा गीता पाठशाला बनानी, एक कमरा तो बना ही ले। बाबा उसके लिए मना कर दे, नहीं, जिस कमरे में तुम सोते हो, खाना खाते हो, खाना बनाते हो, उसी कमरे में सफाई करके क्लास लगा के बैठ जाओ। यहाँ कमरे आदि की भी दरकार नहीं, झोपड़ी में भी तो पढ़ाई हो सकती है। तुम बच्चों को अंतर्मुखी होकर के खुशी में रहना है, कोई बाहर का ठाट बाट नहीं करना कि बढ़िया हाल हो, बढ़िया मकान हो, फिर गीता पाठशाला चले, नहीं। जिन्होंने कल पहले वर्षा लिया होगा वो ही आकर के सुनेंगे। तो दिल से कष्ट नहीं होना चाहिए, वो बच्चे हैं, गरीब हैं, तो सोचते हैं हमारे पास पैसा होता तो हम भी गीता पाठशाला खोलते। तो बाप कहते हैं दिल से कष्ट होने की बात नहीं है, दुनिया में तो अंधकार लगा पड़ा है, तुम्हारी बुद्धि में तो रोशनी है। ये बाप जो रतन देते हैं वो रतन लाखों की मिल्कियत है। वो तो भक्ति का कर्तकपन है, शास्त्रों का ज्ञान जो उनके पास है वो भक्ति है दुर्गति के लिए। जो कखपन उनको मिल रहा है उससे उनकी मन बुद्धि की भी दुर्गति हो रही है, वाचा से भी पाप कर्म बन रहे हैं और कर्म इंद्रियां भी गड्ढे में जा रही है। व्यापारी वो जो कि पूरा पोता मेल रखे रोजगार, तो तुम्हारी उन्नति बहुत होगी, खबरदार भी रहेंगे, भूल हो जावे तो कान पकड़ लेना चाहिए। क्या भूल हो जावे? कोई भूल तो होती है, पोता में लिखते हैं भूलें तो होती हैं, तो क्या करना चाहिए है? किसका किसने भूल की, कान पकड़ लेना चाहिए। फिर हम ऐसी भूल कभी नहीं करेंगे, बाबा को लिख भेजो तो भूल खत्म हो ही जाएगी। पुनः करते हैं ना, अभी सन्मुख राय देते हैं क्या? देवेश्वर जन्म तो गुनाह करते आए, पाप करते आए,
वहां तो सुधरने की बात नहीं, सुधारने वाला भी कोई नहीं। और अभी तो बाप सन्मुख आया हुआ है, सन्मुख में राय देते हैं, अंदर बाहर सच्चे बच्चे पर बाप को रहम आता है। कैसे बच्चों पर? जो बच्चे अंदर से भी सच्चे और बाहर से भी सच्चे हैं, अंदर एक बाहर दूसरा होगा तो बहुत नुकसानकारी है। इस ब्राह्मण परिवार में अंदर एक और बाहर से दूसरा, ऐसा बहुत खौफनाक और खतरनाक है।